उसके अंतर्गत किसी एक सद्गुरु के चरण का आश्रय लेकर के और
बहुत सहज मिल रहा है।
सारे के सारे शंकर शंकर जी की बरात चल रही थी, तो शंकर जी की हम बरात नहीं है कि सारे के सारे बैठ गए आसन पर कथा सुनने के लिए। भगवान श्री माधव की, श्री राधा मनोहर प्रभु की अत्यधिक कृपा आप लोगों पे भरी है, तब जाकर के श्री धाम वृंदावन में बैठ करके आप लोग इस दिव्य चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं। बस अब आगे तो हमारे श्री गुरुदेव जी बोलेंगे इन सभी शब्दों के साथ, सभी को प्रणाम करता हुआ गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हुआ वाणी को मिला वांछा कर तो उसके पास से होते हैं बचत बलिदान आ पावन है वैष्णव गुरु सभी का आदर करो। बोलो हरे कृष्णा कृष्णा बोलो उसको दबाता है मानो किसी राजा की कोई सेवा कर रहा हो, सेवा उस
उसके पैर दबा रहा हो। और टक्कर दीजिए राजा का जो पंखा झूलता है, अपनी पलकों के माध्यम से कृष्ण मानव वहां पर पंखा झूला रहे हैं। इतनी सुसृष्ट सेवा चल रही है इस वेणु की, इसलिए निश्चित रूप में ये बड़ी भाग्यवान है और साथ ही साथ बड़ी गुणी भी है। इसीलिए हम क्या करेंगे, देखो जरा, देखो तो सही, कृष्ण के अर्धांग का पान करते करते बिंब फल के समान ऐसे लाल अगर को भी इसने अपने समान निरस बना दिया। कृष्ण के अगर कहां इतने लाल लाल थे और आप देखो बिल्कुल पीले पड़ गए, इसलिए हम भी शांत नहीं रहेंगे। हम क्या करेंगे, हम बलपूर्वक या छोड़ी से इस वेणु का हम हरण कर लेंगे, इस वेणु का हरण करके इसे हम छुपा देंगे ताकि पर्वती काल में कभी इस प्रकार की चेष्टा ना कर पाए। इसलिए गोपियां कहती है दामोदर अगर सदाम अभी गोपी का नाम, यहाँ पर शब्द जो प्रयोग किया कहते हैं दामोदर, दामोदर जो शब्द प्रयोग किया इसका कारण बताते हैं कि कृष्ण का नाम दामोदर कब हुआ, जब मैया यशोदा ने कृष्ण को ओखल से बांध दिया था तब जाकर उनका नाम दामोदर हुआ। दाम अर्थात रस्सी और उदर मतलब कमर, तो कृष्ण को जब मैया ने ओखल से बांधा तब जाकर कृष्ण का नाम दामोदर हुआ। लेकिन उस समय पर इस वेणु का तो रंग मात्र भी नहीं था, वेणु के विषय में कोई भी नहीं जानता था, लेकिन हमारी प्रीति हमारा प्रेम कृष्ण के प्रति उसी समय से है। और वेणु के साथ संबंध कब हुआ, कहते हैं जब से गोचारण प्रारंभ किया। कृष्ण पहले तो ग्वाल बालों के साथ में बछड़े चराते थे और थोड़े बड़े होने के बाद में गोचारण आरंभ किया, तो गोचारण के समय से वेणु के साथ में संबंध हुआ है। और इस किंचित मात्र संबंध से ही कृष्ण के अर्धांग का पूर्ण उत्तराधिकारी बन गया। और हम जो बचपन से कृष्ण के प्रति इतना प्रीति भाव रखती हैं, हम वंचित होकर रह गए, बड़े आश्चर्य की बात है। और इतना ही नहीं, ये वेणु इतनी भीत है, दूसरों की संपत्ति हरण करने पर भी तनिक लज्जित नहीं होती, तनिक भयभीत नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब वेणु बजाती है मानो ये ऐलान कर रहा हो, बड़े गर्व से घोषणा कर रहा हो कि आ जाओ कृष्ण अर्धांगत का मैं पान कर रहा हूं और तुम्हारी संपत्ति का मैं हरण कर रहा हूं, यदि तुम्हारी चेष्टा हो तो कुछ करके बिगाड़ो, कुछ तुम कर सकती हो तो आ जाओ मेरे सामने। इस प्रकार ये ऐलान कर रहा है, मधुर वेणुनाद के माध्यम से ये ऐलान कर रहा है और हमें बुला लेता है। कृष्ण की वेणुध्वनि सुनकर हम सब आकर्षित होकर आ जाती है और हमारे सामने ही हमारी संपत्ति का इतनी भीड़ता से ही हरण कर ले रहा है। इसलिए ब्रजगोपियां कहती है दामोदर अगर स्वधाम भी गोपी का नाम, भूमते स्वयं यद अवशिष्ट रसम। अवशिष्ट रसम कहा, अवशिष्ट रसम को कहते हैं कि पूर्ण रूप से रस का पान कर लिया और कुछ अवशिष्ट अर्थात और कुछ हमारे लिए छोड़ा ही नहीं, इसलिए देखो कृष्ण के अग्रत में पीले पड़ रहे हैं। उसके बाद में और एक अर्थ अवशिष्ट रसम का बताते हैं, रस का अर्थ होता है राग, रस का अर्थ होता है राग। तो इस वेणु जितना कुछ भी रस का पान क्यों नहीं करे, लेकिन कृष्ण के प्रति जो उनका राग है, कृष्ण के प्रति जो गाढ़ प्रेम है, वो कभी कम नहीं होता। अर्थात वेणु नाद करते करते अर्धामृत का पान करने के बाद में भी वो राग अभी संपूर्ण नहीं होता, अवशिष्ट रसम। एक तीसरा अर्थ अवशिष्ट रसम का करते हुए बताते हैं कि संसार के सारे रसों को परित्याग करके ब्रज गोपियां जिस कृष्ण अर्धामृत का पान करती हैं, उस अर्धामृत को ये वेणु पान करता है। इसलिए अवशिष्ट रसम अर्थात ब्रज गोपियों द्वारा जो अवशिष्ट छोड़ा हुआ है उस रस का ये वेणु पान करता है। इसीलिए ब्रज गोपियां कहती हैं अवशिष्ट रसम ब्रजेन्द्रियो। उसके बाद में ऋष्वत वचो मुमुचु सर्वो यथाया, कि ये जो सारे वृक्ष हैं, ये जो सारे वृक्ष वृंदावन भूमि में खिले हुए हैं, ये सभी हमारे शत्रु हैं। क्यों? क्योंकि ये वेणु, ये तो ठहरा पुरुष, बांस से बना है, तो बांस को लगता है पुरुष है, तो पुरुष होने पर भी ये कृष्ण के अर्धांग का पान कर रहा है, इसके अंदर भोक्ता अभिमान है। और इसके जो सजावटी वृक्ष हैं, ये सब भी हमारे शत्रु हैं। क्यों? क्योंकि देखो इस वेणु का ऐसा सौभाग्य देखकर सारे वृक्ष भी बड़े आनंदित हो रहे हैं। सारे वृक्षों के अंदर क्या होता है, सुंदर सुंदर पुष्प खिल जाते हैं, पल्लव प्रस्फुटित हो जाते हैं और वृक्षों से मधु झरने लगता है। तो मधु झरने को मानव ब्रज गोपियां कहती है कि कुल में मानव को एक सौभाग्यवान व्यक्ति भगवान का भजन करने के लिए यदि आए तो उसको देखकर वयोवृद्ध जो महिलाएं होती वो बड़ी आनंदित होती हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ऐसे ही आम्रपल्लव नीम इत्यादि जो वृक्ष हैं, ये इस वेणु के सौभाग्य को देखकर बड़े आनंदित हो रहे हैं और इनकी आंखों से भी अश्रु पात हो रहा है। ये मधु चरना नहीं मानव ही वृक्षों का अश्रु पात हो रहा है। और इतना ही नहीं, जो सारे सरोवर है, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, श्री यमुना जी, ये सभी बड़े आनंदित हो रहे हैं। क्यों?
क्योंकि इनका पानी को पीकर इनको वृक्ष इतना फला फूला है, पानी यदि वृक्ष में ना हो तो बढ़ेगा नहीं। तो यमुना इत्यादि सरोवरों का जो पानी है वो जब बांस में सिंचन किया गया तब जाकर ये वेणु इस लायक हुआ कि कृष्ण अभिराम का पान कर रहा है। तो मानो ये भी इतना आनंदित हो रहे हैं कि हमारा दूध तो पान करके यज्ञ आपको यज्ञ जल ने मानवीय दूध है और इस दूध का पान करके आज वेणु इस परम सौभाग्य को प्राप्त हुआ है। इसलिए सारे सरोवर आनंदित हो रहे हैं, सारे सरोवर के अंदर सुंदर सुंदर कमल पुष्प प्रस्फुटित हो गए हैं, इतने उछल उछल के अंदर अंदर लहरें आ रही है, मानो बड़े ऐलान से नृत्य कर रहे हो। ब्रज गोपियां कहती है कि हमारा जन्म तो निरंतर चला गया, अरे हम गोपी घर में जन्म ना लेकर यदि हम काष्ठ रूप में जन्म लेते, यदि मैं वेणु रूप में जन्म लेती तो तब जाकर मेरा ज्यादा सौभाग्य होता। मैं कृष्ण के सत्संग में सेवा में लगती, कृष्ण मुझे सत्संग में अपने हाथों पर धारण करते, अपने अधरों पर धारण करते। विशेष करके जो ये वेणु गीत वर्णन किया गया है, ये वेणु गीत है क्या? कहते ब्रज गोपियों के हृदय में जो सेवा लालसा है, ऐसा देखने का ऐसा देखना आपको मिलता है कि ईर्षान्वित होके बड़े ही क्रोध से वेणु के प्रति ईर्षा कर रही है ब्रज गोपियां, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेम की सर्वोच्च अवस्था महाभाव के अंदर ही ब्रज गोपियां विराजमान है और इसीलिए अपने आप के अंदर कुछ भी सेवा वास्ता नहीं जानते हुए देखती, देखो ये ग्वालका कितने सौभाग्यवान है, ये सत्समय कृष्ण की सेवा करते हैं, ये वेणु कितनी सौभाग्यवान है, ये सत्समय कृष्ण की सेवा करते हैं, हम कभी भी सेवा कर नहीं पा रहे। इसलिए सेवा वासना बड़ी जरूरी है, जब तक सेवा वासना हृदय में ना हो तब तक कभी आगे बढ़ नहीं सकते। ये जो ज्ञान आप लोग अर्जन कर रहे हो, जो संस्कृत ज्ञान या फिर जो शास्त्र का ज्ञान है, बताया है ना अपना प्रवचन लो न मेरे न बहुना सुने यमेश गणते गणते ये जो आत्मज्ञान है, आत्मतत्व का ज्ञान है, कोई प्रवचन इत्यादि से प्राप्त नहीं हो सकता, कोई बहुत ही मेधावी हो तीव्र बुद्धि हो कहते उससे भी प्राप्त नहीं होगा। कैसे होगा? सेवन मुखे ही जीवा अगर सेवा पायन हो, निष्कपट रूप से ठाकुर जी की वैष्णव की सेवा यदि कोई कर रहा हो तो तब जाकर ये ज्ञान स्वयं हृदय में स्फुरित होता है, भगवान जिसका वरण करते हैं उसी को ही अपना ये ज्ञान प्रदान करते हैं। इसलिए यही सेवा वासना इस वेणु गीत के अंदर बिताई गई है। वाचा का दर्शन कृपा संबोधय च परिदानं पाहि मे दर्शन। ओम अज्ञानित विरांदस जनानंद सराध्य जगत्सुरुनिता मेरा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वांछा कल तरुवे सत्पा सिंधु भैरव च पतिताराम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने परम आराध्य श्री गोपाल परम ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्तिवेदांत शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में साष्टांग वंदन करके ज्ञापन करता हूँ। मेरे शिक्षा गुरुदेव श्रीमान श्री परमेश्वरी प्रभु जी एवं उपस्थित ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्तिवेदांत शशिधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में चरणों पर ज्ञापन करता हूँ। समस्त वैष्णव वैष्णव चरण में प्रणाम स्वीकार हो। महाराज के वाले से कथा बोलने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं हमारे बोला, लेकिन भागवत में बताया कि लघुवा सुदोदन विधम बहुसम भगवान के मानुष्यम अधिकम अनित्यम की अधिरा तोड़म यत्पतेत नापतेत अनुदत्यम यावत नीचे सार विषय कम सुदोदन सम। कहते हैं बड़े भाग्य से हमें मनुष्य जीवन मिला। तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष अनुभव सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गा। इसलिए मनुष्य जीवन मनुष्य तन पा करके हम लोग यदि संसार में ऐसे जगह है भगवान की भक्ति हम नहीं करेंगे तो ये हमारा जीवन कैसे व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए इस मन
परिस्थितियों को हम व्यर्थ नहीं गवाना, इससे हमें तो लाभ प्राप्त करना। क्या नाम भगवान का भजन, क्योंकि विषय कर्म सर्वदस्य, जो संसार के विषय हो गए ना, शादी करो, बच्चे पैदा करो, फिर ये करो, फिर वो करो, ये सब करना चाहिए, ठीक है, लेकिन अधिक है, एक सीमा तो रहना चाहिए और हमें भगवान का भजन करना चाहिए। यदि हम संसार करे भी रहे हैं तो कोई इसमें दोष नहीं है, लेकिन उसमें लिप्त हो जाना ये कहीं कहीं पर गड़बड़ है। इसलिए हमें शास्त्र क्या कहते हैं कि जितना उचित हो उतने तक जाओ, अधिक चेष्टा नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमें सब तरह से भगवान के भजन करना चाहिए, क्योंकि इस हृदय में यदि हमने काम क्रोध लोभ मोह मत सब बैठा लिया ना, फिर ये धीरे से जाएंगे, फिर मैं थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा आ जाता है, बोले जानते हो कौन मैं चौबे हूँ, मैं द्विवेदी हूँ, मैं त्रिवेदी हूँ, मैं चतुर्वेदी हूँ, मैं अवस्थी हूँ, मैं क्या कहते हैं बोलते हैं क्यों जाति भवन। अरे वो जानते हैं पुराने डॉक्टर वालों में इंजीनियर हूँ डॉक्टर हूँ, ये क्या भवन। इसीलिए अपने हृदय में कभी काम क्रोध लोभ को हमें स्थान नहीं देना चाहिए। कहते हैं इसका कि हृदय भवन में उठो रहा आए वैसे तो उठो रहा मानक नहीं भी हो रहा कर पता नहीं। कहते भैया हृदय भवन तो प्रभु आपका है, और ये चोर कौन है, काम को दो इन्होंने तो आपके ऊपर शासन कर लिया, ये छोड़ने का नाम नहीं ले रहे, समझाता हूं तो भी नहीं मानते। ये ऐसी स्थिति है। ऐसे एक छोटे सा छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक बहुत बड़े सेठ थे, इतना उनके पास पैसा था, उन्होंने सुंदर सा मकान बनवाया, खूब पैसा था, ये सोचा मैं बढ़िया फर्स्ट क्लास बना के रहेंगे। जब बनवा दिया अनाउंसमेंट कर दिया कि जब कोई है नहीं मैं अकेले हूँ, कोई रेंट में आ जाएगा तो अच्छा होगा, दो चार लोग आ गए और ऐसे लोग उन्होंने बोलो आए घर में, कोई मछली बेचने वाला, कोई अंडा बेचने वाला। अब सेठ जी बोले भैया ये पैसा है, ये सज्जन का घर है, सज्जन की तरह रहो नहीं वरना खाली कर दो। अब वो खाली नहीं करे, बोले हमने पैसा दिया है हम ऐसे तो जाएंगे। इतनी जबरदस्ती कर रहे हैं, बार बार समझाए तो भी नहीं माने। इसलिए कहते हैं हृदय को हम रोतो रहा आए वैसे तो रोतो रहा मानक नहीं हुआ, तुम्हें समझा रहा हूं तो नहीं मानते। तो जब अपने हृदय में हम भगवान को स्थान दे देंगे कि हृदय में जो भी ऐसे लोग प्रवेश नहीं करेंगे, इसलिए ये हमारे हृदय क्या है कहते चित्रकूट है ना, चित्रकूट क्या राम कथा मंदा करी चित्रकूट चारो तुलसी सुबह सुयोग वन है सीता राम। ये हमारे हृदय किसका स्थान है, भगवान का स्थान है। लेकिन हम इस स्थान में संसार में सब कचरे भर लेते हैं और इनके कचरा निकालने बहुत समय लगता है, क्योंकि अहंकार आ गया किसका, जाति का, पाति का, पैसे का, धन का, वैभव का, ज्ञान का, मैं पंडित हूं, ये जो अहंकार ना हमें कभी भी जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता। इसलिए हमें ये मनुष्य जीवन बन गया है अनित्य मनुष्य जीवन है, आज है कल नहीं, संसार एक संसार सरकने वाला है। इसलिए कहते हैं चाहे लगा लो टोपे साफ हो चाहे लगा लो सिर, कोई ना परवा है, काम क्रोध और लोभ के खुले हैं रेस्टोरेंट, खा पी करके मौत उड़ा लो बाद में करना पेमेंट। ऐसे यदि हम गलत काम करेंगे तो हम फिर क्या होगा, इसको हम भरना पड़ेगा, इसकी कीमत हमें करनी पड़ेगी ना। यदि हमने किसी को सताया, किसी को कुछ किया होगा सिखा, यदि भगवान को भजन नहीं किया तो हम लोग उसे कष्ट देंगे, जब कष्ट देंगे तो फिर उसकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी। अभी नहीं करोगे मरने के बाद करोगे, जब अगला जन्म मिलेगा। इसलिए देखना जो मनुष्य कई लोग ना इतना कष्ट झेलते हैं, लोग कहते हैं भैया तेरे जीवन में कष्ट का क्या, तो वही है उसने खा पी कर खूब मौज उड़ाया, अब वो पेमेंट कर रहा है। तो इसीलिए हमें ऐसे पेमेंट नहीं करनी है, हमें क्या करना है भगवान का भजन ही करना है। इसलिए मनुष्य जीवन पार करके भगवत भजन करते रहिए और ऐसे ही हम वृंदावन में आकर जैसे हमारे प्रभु ने सुनाया ना कि वृंदावन सखी को विद्रोह की
अरे भूखी क्या मत बात क्या हमें हाल थोड़ा खास लगाए। जैसे उसने हाथ लगाया और गोपी ने अपना थोड़ा उठाया, उसने सोचा लाल है और लाल को उठाना ही, और उसने हाथ ढीले कर दिए धड़ा से रोटी नीचे ली और लाल को। अब वो सिर पकड़ने पर भी हे भगवान अब तो सास तो घर से निकाल के मानेगी। बोले लाल को तो ऐसे भी अच्छा लगा है। अब वो ध्यान लगा के बैठ गई। लालक जी ने देखा, बोले गोपी क्या कर रही है? बोले गोपी क्या कर रही हो, क्या ध्यान लगा रही हो? अरे बोली महाराज मैं कोई ध्यान मानने से कम नहीं पड़ती है, नंद का लाल ना मेरे हृदय में घुस गया, बस निकालने लगे बड़े निकल जाए कैसे कैसे करके। तो ऐसे भी ध्यान की महिमा है। योगी बड़े बड़े जैसे बोली मैं योगी मुनिंद्र है, बड़े बड़े ज्ञानी लोग कर्म लोग क्या कहते हैं, इसको अपने अंदर डालना चाहते हैं, लेकिन ब्रश लोग क्या कहते हैं, बाहर निकल हमारा पीछे छोड़ क्यों, यही प्रेम। इसलिए हम इस वृद्धा में आकर के देखो बहुत सारी लीलाएं हैं, ब्रज में इतनी लीलाएं नहीं कहने अगर उतर जाए तो रात खत्म जाए, लीला समाप्त नहीं हो क्योंकि भगवान की अनंत लीला है। इसलिए हम बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं ऐसे गुरु वैष्णव के अमृत में रह करके हमें कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसा सौभाग्य तो हमें गंवाना चाहिए क्योंकि देखो संसार है, कुछ दिन बाद हम कहीं और कहीं रहेंगे, लेकिन ये तो हमारे संस्कार हो रहे हैं, कौन से भक्ति उन्मुख की संस्कार कैसे बनते हैं, तुलसी में जल देने से, एकादश व्रत करने से, साधु के मुख से हरिकथा श्रवण करने से बनते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं, अपना जीवन धन्य करें यह लेकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वांछा का फल इस कृपा सिंधु देवता पंचा नाम पावन करो इस बच्चे ना बहुत ही इतने बड़े हैं कि मत समझो ये ऐसे भुगते हुए बच्चे आ गए क्या ये बेटे क्या है बेटे बेटे क्या ओम ज्ञाने विरंदस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्णलीलाकथने सुलक्ष्मणावतारे गुणैश्चरितं वरं वरेण्यं पुरुषमान्तं नारायणतां सर्वशरणं कृष्ण पर्व की व्याख्या चल रही है तो गोपाल आपके विषय में
एक श्लोक आता है बड़े सुंदर श्लोक कि कृष्ण है कौन, कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है, तो उसमें बताते हैं कि कृषि उपवाचक शब्द कृष्ण निवृत्ति वाचक तयोरेक परम ब्रह्म कृष्ण इति विदित। हम इतना हम बैठे हैं विश्वनाथ जी के गुरुपाद में टीका में बताते हैं कि कृषि उपवाचक शब्द कृष्ण निवृत्ति वाचक कि कृष्ण एक शब्द है, इसका सभी विषय करें तो एक होता है कृष्ण, दूसरा होता है नाम। अगर कृष्ण शब्द की व्याख्या करें, कृष्ण शब्द को देखें तो कृष्ण का तीन कौन है, भगवत्ता का सार स्वरूप है कि हम सर्व से प्रभुवत्ता सर्व प्रवर्तने तिमत को भजनता मामूला भाव समझता। तो कृष्ण ने ये कहा है भगवत्ता सार स्वरूप है, पूरा ईश्वर है कृष्ण। लेकिन जो अंत का नाम है ऋषि गोचर कृष्ण के प्रतिभाषा का जो नाम है, वो जो नाम है कृष्ण का वो क्या है, माधुर्य स्वरूप है। श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः सन्न्यासस्य
कल बोल रहे हैं।